इस बरसात में भी जन जन की आवाज पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम हर समय तत्पर है आपको अपडेट देने के लिए। आप देख सकते हैं बारिश हो रहा है बहुत तेज, लेकिन खबरें रुकती नहीं है। आप देख सकते हैं हम जैसा कि हाईकोर्ट के बाहर खड़े हैं, क्योंकि आजकल हाईकोर्ट ही है जो झारखंड में अभी बहुत ज्यादा सियासत गलियारे में भूचाल मचा रही है। आपको बताते चले कि शेल कंपनी और आय से अधिक संपत्ति मामले में जो सुनवाई कल हुई थी, उसमें हम आपको बताएंगे क्या कुछ निकलकर सामने आया था। राज्य सरकार की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा अपना पक्ष बार बार इस केस को टालने की कोशिश की, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी चुनाव आयोग में ये मुद्दा ऑलरेडी उठ चुका है। इस पर जस्टिस एस एन प्रसाद और साथ इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो शीर्ष अदालत से ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए। साथ ही ये भी बात निकलकर सामने आई कि चीफ न्यायाधीश जो है वो थोड़ा सा झल्ला कर कहे कि ये बार बार मैं पिंटू का और पंकज मिश्रा का नाम सुन रहा हूँ, हमेशा सुनता हूँ, कौन है ये लोग। इस पर कपिल सिब्बल जो कि वरिष्ठ वकील है, उन्होंने कहा कि पिंटू जो है अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, ये मीडिया एडवाइज़र है सीएम हेमंत सोरेन के, और जो पंकज मिश्रा है वो सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है ये दोनों। इसके साथ ही इन दोनों का नाम उछाला गया। आपको बता दें खनन लीज पट्टा ऐसा सुनने में आ रहा है इन दोनों के नाम पर भी आवंटन है, जिसको चीफ न्यायाधीश ने कहा कि ये भी अवैध है, उनके नाम से ये कैसे हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो मीनाक्षी अरोड़ा है अधिवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये मामला पूरा गलत है, ऐसा कोई खनन लीज आवंटन नहीं हुआ है, सारे मामले को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। इस पर चीफ अधिवक्ता ने कहा है कि एक बार जाँच कराने में ही भलाई है, जाँच कराने में डर कैसा। तब मीनाक्षी अरोड़ा कहती है कि ऑलरेडी जब एक केस चुनाव आयोग में चल रहा है तो फिर जाँच जरूरत है, लेकिन चीफ जस्टिस बात को काटते हुए कहते हैं कि जब जांच करा ही लेते हैं, जांच कराने में क्या दिक्कत है, हम किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराने के लिए जांच नहीं करा रहे, बल्कि सच्चाई क्या है वो निकल के सामने आ जाएगी। सांच को आज अगर सच है तो आप डर क्यों रहे जांच, तो जांच का साफ आदेश उन्होंने दिया है। आपको बता रहे 29 जुलाई को अगला सुनवाई होगा, उस पर देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है। लेकिन इसमें जो राज्य सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल हो गया या फिर मीनाक्षी अरोड़ा, इस सुनवाई को मतलब हर संभव टालने की वो कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने साफ तौर पर कहा है कि हम भी सुनवाई को टालना, हर दिन सुनवाई को टालना हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है, हम जल्द से जल्द इस सुनवाई को खत्म करना चाहते हैं। आपको बताते चले कपिल सिब्बल ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सुनवाई को आज के आज खत्म किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उन्होंने चीफ जस्टिस कहा कि हमें भी शौक नहीं है बैठने का, हम भी जल्द ही खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मामला ऐसा है कि इसमें समय लग रहा है। और भी बातें निकल के सामने आई, जैसे अधिवक्ता जो प्रार्थी है शिवशंकर, दो ठो PIL उन्होंने दायर किया है जिस पर ये सुनवाई हो रही थी, इसके अधिवक्ता राजीव है, राजीव को भी फटकार लगी है। आपको बता दें चीफ न्यायाधीश ने कहा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, आप बहुत लोगों पे झूठा आरोप भी लगा रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये कोर्ट है, कोई मजाक नहीं है। इस पर राजीव ने माफ़ी भी मांगी हाथ जोड़कर। इस तरह के अंदर पूरी 6 घंटा ये मेलो ड्रामा, ये जो पॉलिटिकल ड्रामा अंदर चला है, इसके बाद सुनवाई फाइनली 29 जुलाई को भेज दिया गया है। 29 जुलाई को अगला सुनवाई होगा। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिलती है कि नहीं, दो मामले में फिलहाल वो टारगेटेड है, और 29 जुलाई को क्या कुछ निकल के सामने आता है, इस पर जीएन भारत की पैनी नजर है, और जीएन भारत सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाएगा। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।